एम्स के जिन सुधीर गुप्ता ने सुशांत की मौत को सुसाइड बताया है, उन्होंने ही मुझे ओरली कहा था कि सुशांत के गले में जो निशान है वो स्ट्रैगुलेशन, गला घोटना का निशान है। बाद में गुप्ता ने ही इसे सुसाइड बता दिया। मैं तो अब भी यही पूछ रहा हूँ कि जहाँ सुशांत लटका मिला उसके बाजू में बेड था, वो स्ट्रगल करता तो बेड पर चला जाता, जब लटक रहा था तो बेड उसकी बॉडी से टच कर रहा था, ऐसे में वो मर कैसे सकता है। सवाल सुशांत सिंह के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील विकास सिंह ने इंडियन प्राइम न्यूज से हुई बातचीत में उठाए हैं। सुशांत की मौत को 2 साल हो चुके हैं। देश की 3 बड़ी एजेंसी CBI, NCB और ED इस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर है। CBI ने इस केस में 6 अगस्त 2020 को केस रजिस्टर किया था, तब से अभी तक उसे जांच करते हुए 677 दिन हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जबकि इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी ने 4 सीनियर अफसर गुजरात कैडर के 1994 बैच के IPS मनु शशिधर, 2004 गुजरात कैडर की IPS गगनदीप गंभीर, 2007 बैच की IPS नुपुर प्रसाद और CBI ने SP अनिल यादव को लगा रखा है। CBI की प्रो ने इंडियन प्राइम न्यूज को ये भी कंफर्म किया है कि टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में इंडियन प्राइम न्यूज इस केस से जुड़े अहम लोगों तक पहुंचा और उनसे जाना कि इस मामले को अब वे कैसे देख रही हैं। हमने बीते 2 सालों की टाइमलाइन भी तैयार की है। जी हां, तो चलिए बताते हैं कि किस तरह से सुशांत की मौत हुई थी। सुशांत सिंह डेथ केस में CBI ने आज तक ना ही एक भी गिरफ्तारी की है, ना ही कोई चार्जशीट फाइल की है। हालांकि CBI ने इस मामले में रिया समेत 6 लोगों पर केस जरूर दर्ज किया था, लेकिन बीते करीब 1.5 साल में उनके हाथ से भी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। जबकि CBI की टीम रिया के परिवार से घंटों पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के स्टाफ और परिवार से भी लंबी पूछताछ हुई। सुशांत के घर पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों से भी सवाल जवाब हुए जो सबसे पहले पहुंचे थे। नवंबर 2021 में CBI ने US से भी मदद मांगी थी। CBI सुशांत सिंह के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किए गए डाटा को देखना चाहती है, शायद इससे कोई लिंक मिल सके। ये डाटा CBI को मिला या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने CBI के प्रो के इस बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि जांच जारी है, इसलिए अभी तक कुछ कह नहीं सकते। हालांकि CBI के सीनियर ऑफिसर ने इंडियन प्राइम न्यूज को कंफर्म किया है कि यह सुसाइड ही है। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने ऐसा कदम किन परिस्थितियों के चलते उठाया था। जी आपको बता दें, सुशांत के पिता KK सिंह का कहना है कि मामला कहां अटका है पता नहीं, जांच CBI के पास है वही बता सकते हैं। हम लोगों से 2020 में दिल्ली में बात हुई थी, उसके बाद से कोई बात नहीं हुई। एजेंसी ने हमसे संपर्क भी नहीं किया। जब वे चार्जशीट फाइल करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का कहना है कि परिवार का अब भी वही स्टैंड है जो 2 साल पहले था। हमें लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। परिवार उम्मीद में है कि इस मामले में जरूर कोई ना कोई सुराग एजेंसी को मिलेगा। वही एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने CBI जांच चलने की बात कहकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि गुप्ता पहले ही आधिकारिक बयान दे चुके हैं, यह मर्डर नहीं सुसाइड ही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।